नचिकेता एक छोटा लड़का था जो ऋषि वज्रश्रवा का पुत्र था। नचिकेता उनके और मृत्यु के स्वामी यम के बीच संवाद में बाल नायक है, जिसे कठोपनिषद कहा जाता है। आइए देखें कि कैसे नचिकेता यमराज से मिलने और आत्मा की प्रकृति के बारे में उनसे बातचीत करने में कामयाब रहा। ऐसा हुआ कि एक बार वज्रश्रवा अग्नि यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों को गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता जिन गायों का दान कर रहे थे उनमें से ज्यादातर दुबली पतली और बूढ़ी गाय थी। नचिकेता ने सोचा कि अगर उसके पिता उसका दान कर दें तो शायद उन्हें ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये सोचकर नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि वह उसको किसे दान कर रहे हैं। लगातार पिता से यही प्रश्न पूछे जाने पर पिता को क्रोध आ गया और उसके पिता ने कहा कि वो उसे मृत्यु के देवता यम को दान कर रहे हैं। जब नचिकेता ने यह सुना तो वो यमराज से मिलने चल पड़ा। जब वो यमपुरी पहुंचा तो उसने देखा कि यमराज अपने स्थान पर नहीं थे। उसने 3 दिन बिना खाए पिए यमराज का इंतजार किया। जब यमराज ने देखा कि एक ब्राह्मण कुमार 3 दिन बिना खाए पिए उनके दरवाजे पे बैठा है तो उन्हें इस बात का दुख हुआ। इस कारण उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि उसके घर पहुंचने के बाद उसके पिता उससे प्यार करेंगे। दूसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि ये अग्नि यज्ञ कैसे किया जाए और तीसरे वरदान में नचिकेता जानना चाहता था कि उसके मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होगा। यम ने नचिकेता को विभिन्न प्रकार से समझाया कि इस प्रश्न के स्थान पर वो कुछ और मांगे। इस प्रश्न के बदले वे उसे 1000 साल का जीवन, धन, राज्य, स्त्री, बच्चे और जो भी नचिकेता मांगना चाहता था वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन नचिकेता ने कहा कि जो सब यमराज उसे देना चाहते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगी। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के बारे में सच्चाई जानने के लिए नचिकेता यमराज से अनुरोध करने लगा। इस पर यम मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि जो आत्मा जीते जी जीवन मुक्त नहीं हुई हो उस आत्मा को कई अलग तरीके से जीवन लेने पड़ते हैं और जो जीते जी जीवन मुक्त हो गई हो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद पूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यम और नचिकेता के बीच का संपूर्ण संवाद कठोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इस महानतम ज्ञान को जानने के बाद नचिकेता अपने घर लौट आया। नचिकेता वास्तव में एक दुर्लभ और उल्लेखनीय लड़का था। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।